नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और पटना सिटी से है। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर पैजाबा स्थित हुंडई शोरूम में गाड़ी सर्विसिंग के दौरान दूसरे कर्मचारी द्वारा सर्विसिंग के दौरान गाड़ी का गियर लग जाने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई। वो गाड़ी सीधे कर्मचारी के शरीर पर चढ़ गया, जहाँ उसकी स्थिति नाजुक हो गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक कर्मचारी की पहचान खाजीकला निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। वहीं मनीष की मौत की खबर सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गई और सभी शोरूम पहुंचकर हंगामा करने लगे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हंगामा की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से जांच कर रही है। वहीं पुलिस आक्रोशित परिजनों को शांत करने में जुटी हुई है। डीएसपी अमित सरन ने बताया कि गाड़ी अनियंत्रित होने के कारण मनीष की मौत हुई है, लेकिन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। देखिए, बाईपास रोड पे आशियाना हुंडई का शोरूम है, वहाँ पे वॉशिंग पिट में एक यहाँ का कर्मचारी था, वो उसके ऊपर एक दूसरे कर्मचारी के द्वारा गाड़ी से उसको दबा दिया गया, चल के उसकी मृत्यु हो गई। तो उस ये है कि वो वॉशिंग पिट में जगह बैठा हुआ था, गाड़ी चला के धीरे धीरे आ रहा था, एकाएक गाड़ी तेजी से आके उसको धक्का मारा, वो उसको ले जाने के क्रम में अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। क्या पहचान हो पाई उसको? उसका नाम है मनीष कुमार और मच्छरहट्टा का रहने वाला है, खाजीकला। और जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम लक्ष्मण पासवान है, वो भाग गया है और अभी परिजनों के बयान के आधार पर FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, हम लोगों की तरफ से तो FIR दर्ज करके जो लापरवाही या जानबूझ के, अगर लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है कि जानबूझ के उसकी कोई दुश्मनी रही है कि मार दिया है, ये दोनों चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आएगा सो आएगा, जो ये लिख के देते हैं उसके आधार पर। और बाकी लोग अपना परिजन अपना अभी परिजन मांग क्या कर रहे हैं? इनका कंपेंसेशन का है, क्योंकि वो SC हैं तो उसमें तो जो भी मुआवजा का प्रावधान है वो सरकारी वो तो मिलेगा ही, बाकी यहाँ के वो वर्किंग एम्प्लॉय थे तो जो अपना मैनेजमेंट को होगा, जो अपना इनका पॉलिसी है उसके अनुसार देंगे। ठीक है।